मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं और ओवरलोडिंग सड़कों को दुर्घटना मुक्त बनाने समेत कई गतिविधियों पर फोकस कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक सड़क हादसा आज सुबह करीब 4 बजे उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर कस्बे में NH-74 नेशनल हाईवे के भगवंतपुर चौराहे पर देखने को मिला। घने कोहरे और तेज रफ्तार के चलते एक ट्रक और DCM आपस में टकरा गए, जिससे अच्छी खबर ये रही कि दोनों वाहनों के चालक बाल बाल बच गए। टक्कर में दोनों वाहनों को भी चोटें आई हैं। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं लुधियाना पंजाब से आलू लोड करके दिल्ली की तरफ जा रहा था और ये दूसरी वाली जो गाड़ी पलटी हुई है ये मेरे आगे थी और इस गाड़ी के आगे वो सामने वाली पिकअप जो है वो ख़राब खड़ी थी रोड के ऊपर, थोड़ा बहुत ज़्यादा था और इसलिए से उस गाड़ी में जब एमरजेंसी पहुँची है तो मेरी कंट्रोल में हुआ वो पिकअप में जाके लगी, मेरी गाड़ी उस गाड़ी में जिसमें जाके लगी और ये हादसा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ कोई भी वैसे तो यहाँ पे जिस हिसाब से कराया है यहाँ पे एक ब्रिज होना चाहिए, और ब्रिज ना हो तो यहाँ पे कोई ब्रेकर हो जिससे कि हादसा जो था वो टल सकता है। अगर ब्रेकर होते तो गाड़ी पीछे कंट्रोल हो जाती है तो शायद ये हादसा ना होता। ट्रैफिक हो जाता है आने जाने के बाद परेशानी हो जाती है, यहाँ पर यहाँ पे ओवरब्रिज बनना चाहिए और यहाँ पे इसके दोनों साइड ब्रेकर बनना चाहिए जिससे पब्लिक को स्कूल से गाड़ी ब्रेकर है आराम से जाए और हादसा कर सकते हैं। ये रहा ये हाईवे है बहुत जिसके लिए हाथ से लोग आते हैं, लंबा ट्रैफिक चलता है हमारा।